एकदम दानेदार मिट्टी है। देख एकदम चूरी का बोला है, चख लेते हैं और देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी दानेदारी मिट्टी है चूल्हे की। ये जो मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी खाने में। राधे राधे फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि बहुत 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 ही अच्छे होंगे। आपके अपने YouTube चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो चूल्हा है काफ़ी टूट फूट सा गया है, और इस चूल्हे की भुनी मिट्टी को देखिए, काफ़ी प्यारी है और पक भी गई है। और खाने में इसका जो टेस्ट है बहुत ही गजब का लगता है, एकदम दानेदार मिट्टी है, देख सकते हैं आप सभी। तो आज आवाज़ भी बाहर का सुनाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, और मेरा वॉइस भी बहुत स्लो है। तो चलिए इस जो चूल्हे का रिपेयरिंग करते हैं। काफ़ी अच्छे से मिट्टी है तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, और ये पूरा हमें चूल्हा ठीक ठाक करना है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मिट्टी पक चुकी है बहुत अच्छे से। एकदम चूल्हे की भुनी हुई मिट्टी, एकदम दानेदार। तो चलिए चलते हैं इसको लेकर। और मिट्टी है इस चूल्हे की जो भुनी हुई मिट्टी है, और इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो अभी थोड़ा सा इसको चखेंगे जरूर, देख सकते हैं इसको चखते हैं। और आप में से किसका किसका ये मिट्टी खाने का मन होता है आप ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मिट्टी बहुत बहुत अच्छी है, जिस जैसे कि जो भी जब चूल्हे का रिपेयरिंग होता है तो मन एकदम कंट्रोल में नहीं होता है फ्रेंड्स। तो इसको चख लेते हैं, और देख सकते हैं फ्रेंड काफ़ी दानेदारी मिट्टी है चूल्हे की। ये जो मिट्टी बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी खाने में। तो अब इसको हम अच्छे से एंजॉय करते हैं। और ये जो मिट्टी है फ्रेंड्स, इसको रख देंगे। इसका बनाना है छोटा छोटा सा, जैसे हमें क्योंकि अभी थोड़ा मिट्टी और इकट्ठा करके रखे हैं, और भी अभी उस चूल्हे का भी रिपेयरिंग करना है, तो उसमें से भी निकलेगा चूल्हे की जो भुनी हुई मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा, और मुझे तो बहुत पसंद है। और आप में से कौन कौन पसंद करता है फ्रेंड ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें भी पता है मिट्टी खाना अच्छा तो नहीं है फ्रेंड्स, सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। लेकिन फिर भी कभी कभी खाने से, थोड़ा बहुत खाने से कुछ भी नहीं होता है। और यहाँ पर भुनी हुई मिट्टी तो रोज़ रोज़ आप नज़र के सामने आती नहीं है, कभी जब एक काम करना पड़ता है तो थोड़ा बहुत चख लेते हैं अपन। और यहाँ पर मिट्टी हम रखे हुए हैं, एक कल वाली मिट्टी है देख सकते हैं, तो इसी से करेंगे रिपेयरिंग इसका।
कल की ही मिट्टी है फ्रेंड्स, इसको ऐसे ही रखे हुए थे छपाई के लिए, लेकिन आज छपाई भी नहीं हो पाया। और जिसके लिए मैं कमेंट भी आया था फ्रेंड्स कि जो भी छपाई का काम है जहाँ पर शुरू करें वहाँ एक ही दिन में कंप्लीट कर दें, लेकिन नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तबीयत भी बराबर नहीं चल रहा है। थोड़ा सा थोड़े थोड़े करके ही काम को करते हैं अपने सेहत को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आप सभी को पता है कि तबीयत खराब होने पर हमारा काम कंटिन्यू बंद हो गया था। उससे तो अच्छा है कि थोड़े थोड़े ही काम को करें और आप सभी के बीच शेयर करते रहें। हमारा काम भी ना बंद हो और तबीयत भी बहुत ज़्यादा खराब होने पर दिक्कत हो जाता है, सब बिखर बिखर सा जाता है। जैसे और ये ठंड में ये जो चूल्हा है फ्रेंड्स बहुत ही काम का रहता है, तो इसीलिए हम चूल्हे को बना रहे हैं। कहीं भी कमरे में भी बना सकते हैं, लेकिन क्या है कि फिर धुआं वगैरह का डर रहता है, खराब हो जाता है कमरा। और यहाँ पर सृष्टि बैठ कर अपना चाय पीकर ढेकारी ले रही है, मेरा भी चाय छान कर रखी है, लेकिन हमने कहा कि अभी इसको कर लेंगे तभी पियेंगे, तब तक अभी मिट्टी का स्वाद हमारे जुबा पे है। जब तक मिट्टी का काम कर रहे हैं तब तक कम से कम मिट्टी का टेस्ट भी रहे, क्योंकि ये जो भुनी हुई मिट्टी होती है फ्रेंड्स, इसको देखते ही एकदम मुंह में पानी आ जाता है और बहुत ज़्यादा हमें पसंद है ये भुनी हुई मिट्टी। और एक जो पोतनी मिट्टी होती है उसका खुशबू भी बहुत पसंद है। और इसके अंदर भी अभी ठीक कर देंगे, क्योंकि अंदर का भी मिट्टी निकल गया है, उखड़ पुखड़ सा गया है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? ऐसा कहती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। मेरे माताओं और बड़े दादाजी को नमस्ते, और हमारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। हम देखिए सृष्टि प्रैक्टिस कर रही है वीडियो बनाने का, इससे भी ब्लॉगिंग का बहुत शौक है और इसने थोड़ा बहुत शुरू भी कर दिया है। बोलते हैं कि जब पढ़ाई के साथ साथ काम करते हैं तो ब्लॉग बनाने में क्या हुआ। मैंने कहा चलो भाई जो है। नहीं, हम अपने बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं ना। अच्छा, हाँ तो ले रहे हैं अभी। आप लोग कैसे हो फ्रेंड्स बताइएगा, जो मेरी मम्मी को सपोर्ट करेंगे और जो मेरी मम्मी को सपोर्ट करेंगे वो मेरे प्यारे बुआ। आप लोग मेरे प्यारे परिवार हैं सब लोग, कोई बुआ है, कोई मौसी है और कोई आंटी है। तो साइड साइड से भी थोड़ा थोड़ा मिट्टी दे दे रहे हैं फ्रेंड्स। Thank you.
मिट्टी बच गया फ्रेंड्स, तो इसको हम रख देते हैं इसके ऊपर। हमारा छपाई के काम में आएगा और छपाई का काम करेंगे कल, क्योंकि आज बिल्कुल मन नहीं किया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप सभी माफ़ करिएगा। इस समय धान ओन का खेती का भी काम चल रहा है, इसीलिए थकान काफ़ी ज़्यादा हो जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा चूल्हा अच्छे से तैयार हो चुका है, और जो कि अभी थोड़ा सा हम वहाँ से उठा कर लाए हैं, तो ये हमारा मिट्टी थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। और सूखने के बाद एकदम बढ़िया हो जाएगा, इतना मिट्टी बचा है तो उसको रख दिए हैं। और अभी अब चलते हैं, चाय पी लेते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं चाय सृष्टि ने बनाकर। और तो आज हमने चूल्हे का रिपेयरिंग भी कर दिया फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से वो चूल्हा पड़ा था ऐसे ही, और उसका मिट्टी इधर उधर से निकल गया था और बहुत ही ख़राब सा हो गया था, आपको हमने दिखाया भी। तो उसका रिपेयरिंग करते टाइम फ्रेंड्स, जो चूल्हे की भुनी हुई मिट्टी होती है उसका जो खुशबू एकदम सोधी सोधी सी जो महक होती है फ्रेंड्स, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। कहीं ना कहीं उसका काम करते टाइम उसका खुशबू आता ही है, और चखने पर मजबूर हो जाते हैं। थोड़ा सा हमने भी चख लिया, क्योंकि उसको देखने के बाद मुंह में पानी रुकता नहीं है, थोड़ा बहुत तो टेस्ट लेना ही पड़ जाता है। तो बस यही बात है, क्योंकि हमें उसका खुशबू जो है, और पोतनी मिट्टी का काम जब मिट्टी के घर में करते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर अभी आज संडे है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो का अभी एंड कर रहे हैं। शाम हो चुका है, 6:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं आज का ये संडे का ब्लॉग अभी आप सभी के पास पहुंच पाता भी है या नहीं, क्योंकि आज आप सभी फेस से भी और आवाज़ से भी थोड़ा सा पता कर सकते होंगे। एक तो तबीयत भी नहीं ठीक है और दिमाग भी थोड़ा सा टेंशन में है फ्रेंड्स, तो बस अभी क्या बता सकते हैं आप सभी से। तो चलिए अभी आप सभी से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ फिर कल। तब तक के लिए बाय बाय, वीडियो देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।